तो गैस आज इस वीडियो में सीटेट पेपर वन 7 जनवरी का जो है मैथ का आंसर की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गैस मैंने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे, तो उसको हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो है मैथ के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको पता ही होगा गैस, इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके भी बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए गैस, यहाँ पर जो है आपको इनको जो है ना आपको ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 20-20 ग्राम कैसे कितने पैकेट मतलब कि बनाए जा सकते हैं। तो इनको जो है ना आप प्लस कर लीजिए, तो 10 और 15 जो हो गए 25, 25, 5, 30 और 3, 33 33। और इसको अगर आप के ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 ग्राम से इसको भाग कर दीजिए, तो टोटल पैकेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में चेंज हो गया है। तो अब आ गया 1, 2, 6, 12 हो गया, और उसके बाद 2, 5, 10, और ये 2 जीरो से यहाँ पर कटा था क्योंकि 1 जीरो से ये कटा था गैस, और ये 0 बच गया हमारा, तो 165 हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिए गैस, यहाँ पर अगर हम भाग भी करेंगे तो सिंपली जो है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये जो है 1, 6, 5 और 1 जीरो जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना गाइस, इसमें जो है ना आप सिंपली आप जो है निकाल सकते हैं। इसमें मैं पहले ही आपको मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा, 2 समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को आपको पता है कि इनके तीनों कोणों का जो योग होता है ना वो हमेशा जो होता है वो 180 होता है, और तीनों कोण जो है वो 60-60 डिग्री का होते हैं। तो इनके जो साइड है वो कुछ भी रहे, ठीक है ना, इनके साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है साइड तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि इनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनके अंतःकोण ये चौथा सही है, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज बी क्यू आर के अंतःकोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसका साइड जो है मान लीजिए इसका जो है परिमाप आपको पता है 3 गुना साइड होता है, क्योंकि तीनों साइड का योग होता है। तो एक का मान लीजिए 5-5 है, ठीक है, ए बी सी का मान लीजिए आप 5-5 है, और पी क्यू आर का मान लीजिए 10-10 है। तो यहाँ पर साइड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनका जो है साइड 6-6 भी होता तो इनके जो अंतःकोण है वो बराबर ही होते, क्योंकि इन दोनों में जो है इक्वालिटी समान होती है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है गाइस, इसमें जो है ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपली गाइस आपको क्या करना है ना कि इसमें घन दे रखा गया है, तो इसमें बोला गया है कि मतलब कि उनको जो है ना एक बड़ा घन बनाना है इनको जोड़ के, चाहे तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को जो है समझ सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है ना इसमें कि जो यहाँ पे घन दिया गया है उनकी जो साइड दिया गया है, तो घन का जो आयतन होता है वो एक भुजा की जो होती है घन होती है, क्यूब होती है। तो 10 का जो है क्यूब अगर हम करें तो हमें अगर हम एक घन का मतलब कि आयतन निकालेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 का अगर हम निकालना चाहें तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 घन सेंटीमीटर। तो 12000 घन सेंटीमीटर का जो आयतन वाला जो है वो बड़ा वाला वो बॉक्स बनेगा जो बिल्कुल खाली नहीं रहेगा, तो इसका जो है थर्ड सही ऑप्शन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस क्या बोला गया है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं क्रमागत संख्या क्या होती है, जो लगातार बढ़ती रहती है। तो इसमें प्राकृतिक, तो प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो है ना हमें पहली और अंतिम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो हमें जो है ना संख्या एग्जैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये भी क्रमागत संख्या है प्राकृतिक, बट यहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि वो क्रमागत संख्या क्या है। देखिए 10 से भी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाती है, 10, 11, 12, 13, और क्रमागत है तो बढ़ती जाएगी, तो प्राकृतिक संख्या तो 10 से भी स्टार्ट हो सकती है, 15, 20 से भी। तो यहाँ पे हमें ऐसे हमें करना होगा इस क्वेश्चन को, हमें जो है ना मान लिया हमने हमारा पहला जो है x हो गया, दूसरा x+1 हो गया, तीसरा x+2 हो गया, चौथा x+3 हो गया, और पाँचवा x+4 हो गया। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, उसके बाद हमारा 4, और ये हमारा 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम एज मतलब कि तुरंत हम जो है फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमें जो है सिंपली जो है हमें ऐड कर देना है, तो 5 का क्या होगा, x x+1, 1, 2, उसके बाद x+2, 3 हो गया, x+, इसको प्लस ही कर देना है, x+3, और उसके बाद x+4। अब इनको जो है हमें ये कर देना है, और 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। तो देखिए 1, 2, 3, उसके बाद हमारा हो गया 4, और ये हो गया 5। तो कितने x हो गए, 5x हो गए, और प्लस में कितने हो गए ये हमारा 1, उसके बाद 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। तो 5x+10, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 5x+10, 5x हो गए हमारे, प्लस में उनको जोड़ने पे आया 10,
ठीक है, और इसको हम 5 से भाग करेंगे, ठीक है, 5x प्लस में 10 को हमें 5 से भाग करना है, क्योंकि हमें x यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम इसको जो है कॉमन भी ले सकते हैं ना, ठीक है, इसको हम 5 से भाग कर सकते हैं। और औसत आपको पता है गाइस कि औसत क्या होता है, सबका योग होता है और जितने संख्या है ना वो दिया गया है, जितने का योग का मतलब कि वो औसत है उनको नीचे लिखते हैं, तो 5 का ये बताया गया है, तो इक्वल में हम 15 कर देंगे, ठीक है, इक्वल में हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, और यहाँ पे 5x प्लस में 10 और बटे में 5 का है तो 5 यहाँ लिखेंगे, और चाहे तो आप जो है इससे सामने काट सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 15 5 75 हो गया हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, 5x प्लस में 10 हमारा आया था जोड़ने पे, और 15 5 75 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो इससे को माइनस कर देते हैं यहाँ पे उधर जाके, तो 65 हो गया, और ये हमारा x हो गया, और यहाँ से ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर देखिए ये तो इधर चला गया, ये इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पे बचा 65 और 5x, तो 5 को यहाँ पर डिवाइड में कर लेते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो x की वैल्यू हमारा 13 आ गया, 13 5 65, तो x की वैल्यू हमें पता चल चुका है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, तो पहली और अंतिम संख्या, पहली संख्या तो गाइस हमें पता चल ही चुका है कि पहली संख्या जो है हमारा 13 है, और अंतिम संख्या क्या होगा, तो अंतिम संख्या हमारा था x प्लस 4 था, ठीक है, x प्लस 5 नहीं, x प्लस 4, क्योंकि x हमारा 1 बन रहा था, x प्लस 2 दूसरी संख्या बन रहा था क्रमागत, x प्लस 1 दूसरी, और x प्लस 2 तीसरी, और x प्लस 3 चौथी, और ये पाँचवीं, तो 13 और 4 हमारा हो गया, 13 4 17 हो गया, तो 13 और 17 कितना हो गया, 13 और 17 हमारा हो गया, 13 और 17 का 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर 1 है, क्योंकि 13 और 17 जो है हमारा हो जाता है 30, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ गैस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, और गैस कुछ भी अगर आपको भेजना है ना तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब कि लिंक नहीं, मैं ईमेल आईडी बता दूंगा, और उस ईमेल आईडी पे जो है आप सेंड कर सकते हैं वीडियो, मतलब कि आप जो है पीडीएफ को अगर आपको सॉल्व करवाना है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसका क्या आंसर होगा, तो इसमें जो है ना हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है, इसके बीच डिफरेंस देखना है, क्योंकि गाइज ये एक जो है ना हमारा ये एक एपी है, और एपी जो है ना उल्टा चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे जो है ना टफ क्वेश्चन भी ट्रिकी दे देते हैं, क्लास 10th का है ये, देखिए है तो क्लास 10th का नहीं बट एपी का है ये क्वेश्चन, इसमें देखिए डिफरेंस आप देख लीजिए, तो डिफरेंस जो है ना इसमें 1 का जा रहा है और ये माइनस में जा रहा है, तो आपको पता है कि इसके बाद हर एक जो है ना वो उसमें एक ये होता है, ये जो है गाइस ये 2 से जो है ना ये इसमें जो है इसके बीच डिफरेंस देख लीजिए, और इसको आप समझिए कंसेप्ट को, हर चीज़ जो है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है, देखिए इसमें ये भी 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 जो है फिर ये भी 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ 1/2 आ गया, फिर 1/2 जो है वो भी जो है 2 से डिवाइड हो गया, देखिए 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 2 4 1/4 आ गया, फिर 1/4 भी जो है हमारा किससे डिवाइड होगा, हर चीज़ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1/4 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/8 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये जो हो गया हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड का ये क्वेश्चन 10 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, देखिए ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें क्या बोला गया है ना कि एक विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है, तो एक दिन में 3 बार बनाता है, तो एक दिन का निकाल लेते हैं, एक दिन में जो है 90 ml वो यूज कर लेता है, और इसमें मतलब कि 4 सही 1/2, तो 4 2 8 और 1 9/2, मतलब कि इतने महीने पकाता है तो वह कितना तेल करेगा, तो 9/2 महीने पकाता है, ठीक है, एक दिन में 90 ml खर्च करता है, तो 9/2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 से जो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हैं, इसका ऑप्शन जो होगा गाइज वो जो है ना इसका ऑप्शन ये वाला थर्ड वाला सही होगा, इन्होंने जो है थर्ड ही बिल्कुल सही किया है, क्यों थर्ड वाला सही होगा, क्योंकि 4/2 मतलब कि 4 2 8 और 1 9 9/2 महीने बनाता है, और एक दिन में जो है 90 ml खर्च करता है, 30 दिन का एक महीना बताएगा, तो देख लीजिए 4.5 महीने हो गए ना, तो 4.5 एक महीने में 30 दिन, तो 4 महीने का पहले निकाल लेते हैं, तो 4 महीने में 30 चौक 120 दिन, और उसके बाद आधा महीने तो 15 दिन, तो 135 दिन हो गया, ठीक है 15 दिन जोड़ लेते हैं, और इसको अगर हम ऐसे करें 30 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे भी जो हमारा 135 आ रहा है, और एक दिन में 90 ml खर्चा कर रहे थे, तो 135 दिन का हम जोड़ लेते हैं, 135 दिन गुना में 90, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई अगर करें 9 5 45 5 9 3 27 27 और 4 हो गया 31 1 और 9 1 9 9 3 12, तो 12 लीटर हो गया, और ये 0 यहाँ पे लिख देंगे, 150 ml, ठीक है इसका थर्ड जो है सही होगा। देखिए गाइस सबसे ईजी क्वेश्चन, मतलब कि गाइस ये क्वेश्चन अगर आते तो सभी बच्चे कर लेते हैं और करे भी होंगे, देखिए 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में
क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए 25 मिलियन, 1 मिलियन में पता है 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 25 मिलियन को अगर करें तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख हो गया, तो ये 25 मिलियन है तो 10 लाख इकाई। अब इसको देखिए सिंपली गाइस, इसको जो है ना 10 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 25 मिलियन कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब कर लीजिए तो 25 से कम 25 हो गया, और उसके बाद 2, 2, 4, 2, 6, 0, 6, 0, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, दो ऑप्शन सही होगा। देखो गाइस एक चीज़ यहाँ पे, जिनके पास रेडमी का फ़ोन होगा उसमें तो गाइस इंडियन भाषा में जो है उसमें करोड़ में दे रखे होते लाख में, बट वे स्टूडेंट जिनके यूट्यूब पे, जिनको पता है कि मिलियन में, मतलब कि जिनका जो है ना यूट्यूब पे व्यूज़ जो है ना वीडियोज़ का वो मिलियन में दिखाते हैं, 1 मिलियन व्यू जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो उनका वो सीख चुके होंगे, और जिनको नहीं पता होगा तो वो कन्फ्यूज हुए होंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया। देखिए इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है, तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो गया आपका 1101 हो गया, ठीक है, 1101 आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई, और 1001 जो है यहाँ पे सबसे छोटा हो गया आपका, तो इसमें से मल्टी ये माइनस कर देंगे आप तो सिंपली आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, एक में से एक गया जीरो, उसके बाद जीरो, उसके बाद एक, और ये कट गया, तो 100 आ गया इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन सही है। 18 क्वेश्चन जो है गैस, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी ईजी है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आपको देखिए ईजी है, सबसे पहले जो है बोर्ड मास में आपको बी ओ डी ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, बी ओ डी, और उसके बाद मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर डिवाइड सबसे पहले कर देना है, 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का आ जाता है 24.5, और यहाँ पर जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए जीरो आ गया, 4 5 20 के जीरो, 25 4 100, 100 और 102 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट है तो ये जीरो यहाँ से हट गया, ठीक है, 102 यहाँ पे आ गया आपका, उसके बाद 102 और यहाँ पे 18, और ये जो है 24, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 25 और 24 5 120 हो गया, और 120 और 2 हो गया, 120 और 2 122, ठीक है, 122, और यहाँ पे पॉइंट में रह गया, तो ये जो है आपका ये प्लस में ही है और ये माइनस में ही है, अभी करते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है, 122.5 इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है, 4 5 5 5 4 20, सॉरी गाइस इसको देखिए यहाँ पे मुझे लगा था 5 है, ठीक है, तो 5 4 20, तो ये जीरो आ गया, 5 4 20 5 4 20 के जीरो, 24 5 120, 120 और 2 22, तो यहाँ पर से भी ये जीरो हट गया, तो 122 यहाँ पे आ गया हमारा, और यहाँ पर देखेंगे तो 4 5 20 के जीरो, 25 4 100, 102 हमारा यहाँ पे आया था, 102, ठीक है, ये माइनस में, और उसके बाद इसको हम डिवाइड किए थे तो हमारा 18 आया था, ये भी माइनस में आया था, तो माइनस माइनस को एक बार हम जोड़ लेते हैं तो 102 और 18 आ गया हमारा 120, ठीक है, 120 माइनस में और 120 और 122 प्लस में, तो 122 में से 120 माइनस चला गया तो हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा 2, क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास 122 रुपये जमा हो और 120 रुपये हमारे पास कर्ज है, तो 122 में से 120 चला गया तो हमारे पास प्लस में 2 रुपये बच गए, तो थर्ड सही होगा। इसका देख लेते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है, इन्होंने थर्ड बिल्कुल सही दिया आंसर गाइस, इसका 19 का जो है आपका थर्ड सही होगा, जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं ना तो वो संवरक में आता है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा समझना इसको आसान रहता है, हिंदी में थोड़ा टफ दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है गाइस, देखिए छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है, उसकी घड़ी में सूर्य द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कौन निम्नलिखित में से कौन से है, तो 9 बजे उठती है और 2 बजे भोजन करती है, तो ये तो गाइस आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले एक घड़ी बनाना होगा, ठीक है, एक घड़ी बनाना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका 12 बज जाता है, और यहाँ पे गाइस अगर देखें 1 उसके बाद 2 3 4, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 मान लीजिए, फिर से मैं बना लेता हूँ एक घड़ी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बज गया 12, यहाँ पे बज गया 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका 9 बज गया, 9 बजे उठती है और 2 बजे भोजन करती है, ठीक है, 2 बजे भोजन करती है, तो उसकी घड़ी में सूर्य द्वारा बनाए गए वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका 2 बज गया, ठीक है, यहाँ पे 2, तो आपको पता है कि यहाँ पे इसमें टोटल जो है वो 12 होते हैं सुइयाँ, ठीक है, 12 और 300 और तीनों, एक सुई जब पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 12 को अगर हम इससे भाग करेंगे तो 12 3 36, मतलब हर में जो है 3 का डिफरेंस होता है, हर में 12, मतलब कि 12 डिग्री के हर, मतलब काटे के बाद जैसे 12 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, तो हर इन सुइयों के बीच जो डिफरेंस है ना वो 12 डिग्री का, आपका 12 3 36, मतलब 30 डिग्री का होता है, तो 9 बजे से 2 बजे के बीच कितने हो रहे हैं, 9 हो गया, 10 11 12 1
दो, पाँच, तो पाँच को 30 से गुना करेंगे, 30 बचे 150। तो आपको पता है कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले 9 पर जो बना रहा है ना, 9 पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे एक आपका जो 9 पे बन रहा है कोण, तो यहाँ पे 9 पे अगर आप देखेंगे पे जो बन रहा है गाइस, ये तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है सम, यहाँ पे जो है आपका समकोण बन रहा है। क्यों समकोण बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का बन रहा है ना, यहाँ पे 9 का 9, 9 दिन 18, 9 तीस 27, 9 चौ 36, 90 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद 12 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 1 और उसके बाद 2, तो वो आपका जो है कम बन रहा है। 9 बजे तो आपका बन जाता है गाइस समकोण, आपका समकोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। बट यहाँ पे देखिए 30 दुनी 60, 1 और 2, तो यहाँ पे आपका जो है 90 से कम वाला न्यून कोण होता है। तो ये 2 सही है, ठीक है, 24वां। तो 2 ऑप्शन इसका सही है, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और इसमें गाइस आपका जो है ना आंसर, इसमें 3 जो है सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है बाकी गाइस हम जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन छूट गया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही थी। बाकी गाइस 24 दिसंबर, अगर 23 दिसंबर को और क्वेश्चन देखने हैं तो आप जाके जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो जो है वहाँ पर मैंने डाल रखे हैं। गाइस अगर आप कोई क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं लिंक जो है ना, लिंक नहीं, मैं ईमेल आईडी जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहाँ पर से उसको जो है आप पीडीएफ को सेंड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें नहीं देते हैं नो प्रॉब्लम, वो आपको मत देना क्योंकि वो प्राइवेट आप रख लेना, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। बाकी गाइस जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।